हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो बॉलीवुड टॉक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता शो के जो अभी रिसेंट के एक दो एपिसोड हुए हैं उनमें से। दोस्तों पांच ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें से दोस्तों आप भी जानकर मेरे से एग्री डेफिनेटली करने वाले हो। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स हैं ये, और ये मिस्टेक वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, कोई भी इसको सीरियसली मत लेना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली मिस्टेक है वो ये है कि जेठालाल को सपने में कैसे दिखा कि तारक मेहता के बॉस कौन है और कैसे दिखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो स्टोरी चल रही थी वो एक जेठालाल का सपना था। अब दोस्तों जेठालाल ने तारक मेहता के बॉस को आज तक नहीं देखा, यहाँ तक कि सपने में भी वो बोल रहा होता है कि उसको नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं। तो यार जेठालाल को तारक मेहता के बॉस कैसे दिखे, कैसे पता चला कि वो कैसे दिखते हैं। दूसरी मिस्टेक, जेठालाल को सुंदर से मिलने के लिए तारक मेहता की जरूरत क्यों पड़ी। सुंदर चाहे कितना भी खतरनाक हो लेकिन कोई गुंडा थोड़े ना है। तो यार जेठालाल तारक मेहता के साथ जिद क्यों कर रहा था कि वो सुंदर से मिलने के लिए तारक मेहता को भी साथ ले जाना चाहता है, जबकि तारक मेहता का अगर कोई जरूरी काम था तो वो सुंदर से ऐसे भी मिल सकता था। नंबर थ्री, सपने में भी इतनी स्लो कैसे चीजें चल सकती हैं, क्योंकि अगर कोई सपने का सीक्वेंस होता है किसी भी सीरियल में तो वो 5-10 मिनट का ही होता है। इतने एपिसोड्स कौन खींचता है सिर्फ सपने में, वो भी इतना ज्यादा डिटेल में जाकर सपना कौन दिखाता है। हालांकि दोस्तों जो टप्पू की स्टोरी थी ना, जो टप्पू की शादी वाली स्टोरी थी, वो एक एक्सेप्शन है। उसका रीजन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों वो रियल में टप्पू की, क्योंकि टप्पू एक बच्चा है तो उसकी शादी नहीं दिखा सकते होते हुए, तो क्योंकि उन लोगों को टप्पू की शादी दिखानी भी थी तो इसलिए उसको जेठालाल का सपना दिखाया गया, ताकि जो है समाज में वो खराब मैसेज ना जाए। नंबर फोर, सपने में जेठालाल को चींटियों के काटने का दर्द कैसे होता है। जैसा कि दोस्तों जब जेठालाल सुंदर से मिलने जाता है, जहाँ सुंदरलाल बैठा होता है वहां जेठालाल भी बैठता है, तो जेठालाल को चींटियों के काटने का दर्द होता है। तो वो कैसे होता है, सपने में अगर कोई दर्द होता है ना तो नींद खुल जाती है, या सपने में कभी दर्द होता ही नहीं है। नंबर पांच, दोस्तों आपने देखा होगा कि जब तारक मेहता के बॉस की एंट्री होती है तो पूरा ऑफिस का माहौल दिखाया जाता है, सब कुछ दिखाया जाता है। तो जेठालाल को कैसे दिखा कि तारक मेहता के ऑफिस में क्या क्या चल रहा है, मतलब जेठालाल को कि ये कैसे दिखा कि तारक मेहता के बॉस की जो सेक्रेटरी है उसका नाम जूली है और उनके एम्प्लॉय कैसे कैसे काम करते हैं, तो ये जेठालाल को सपने में कैसे दिख सकता है। तो दोस्तों ये थी ऐसी पांच मिस्टेक्स जिनके बारे में आपको बताना चाहता था। आई नो कि दोस्तों ऐसी काफी सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो गाइस क्या आपने भी ऐसी किसी मिस्टेक के बारे में ध्यान दिया या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।